विवरण दिया गया है कई राज्यों का, जिसमें बिहार है सर, बिहार में पूर्ण परियोजनाओं की संख्या जीरो, मिनी फूड पार्क जीरो, खाद परीक्षण प्रयोगशाला जीरो, एकीकृत शीत श्रृंखला मात्र तीन, कई राज्यों का बहुत लंबा लंबा है सर। आपका मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न पर तो आ रहा हूँ सर। तो आए तो इतनी आम बेगूसराय सबकी चर्चा की, मुजफ्फरपुर की चर्चा की, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि साहब एक योजना स्वीकृति आपने दिया जिसमें 8 साल लगा, बाकी की जो योजना है वो कितने साल में पूरा होगा और होगा कि नहीं होगा, बिहार का क्या होगा? बाकी की जो योजना है वो कितने साल में पूरा होगा और होगा कि नहीं होगा, बिहार का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 265 श्री राम कृपाल यादव। नमस्ते 265 सर, सर माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। माननीय सदस्य, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार से आता हूं सर, और बिहार में आज भी कृषि पर लोग आधारित हैं, 80% आबादी आज भी खेत पर निर्भरता है, उपज होती है, हर चीज़ की उपज होती है, कोई उद्योग धंधा नहीं है सर वहाँ पर, जिसके वजह से बिहार की स्थिति आज भी बहुत पीछे है। आपका सर ये जो मैं प्रश्न कर रहा हूँ सर, पहले पीड़ा तो व्यक्त कर दूँ अपनी, क्या बिहार की पीड़ा है सर? हमेशा आप सुनते होंगे विशेष राज्य की दर्जा मांगा जाता है, चूँकि हम उस स्थिति में नहीं है कि बिहार को आगे ले जा सकें, विकसित कर सकें, यही तो आधार है जिसके लिए मैंने प्रश्न किया है आपके माध्यम से सर। पूछे प्रश्न आप। प्रश्न ये जाना, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, ये जो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने किसानों की चिंता की, और आज तक लगातार किसानों की चिंता करते हुए ऐसी योजनाओं को देश में लागू करने का काम किया है, पर मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, मंत्री जी का उत्तर आया है सर, वो भी बिहार से हैं, गरीब परिवार से हैं सर, गरीबी को देखा है बहुत करीब से, संतोषजनक नहीं है सर। मैं आपको बताऊं कि सर ये जो प्रश्न का आंसर है, इस प्रश्न के आंसर में ये कहा गया है कि मेगा फूड विवरण दिया गया है कई राज्यों का, जिसमें बिहार है सर, बिहार में पूर्ण परियोजनाओं की संख्या जीरो, मिनी फूड पार्क जीरो, खाद परीक्षण प्रयोगशाला जीरो, एकीकृत शीत श्रृंखला मात्र तीन, कई राज्यों का बहुत लंबा लंबा है सर। आपका मूल प्रश्न क्या है? मूल प्रश्न पर तो आ रहा हूँ सर। तो आए तो इतनी आम मैं आ रहा हूँ ना सर। माननीय सदस्य बैठे, आप बैठे, एक मिनट बैठे। माननीय सदस्य प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल में भूमिका बनाने में आप 10 मिनट लगाएंगे, मंत्री जी 30 मिनट जवाब देंगे, तो और माननीय सदस्यों के प्रश्नों का क्या होगा? भूमिका नहीं बांधते आप, तो प्रश्न पूछे सीधा। सर मैं प्रश्न बना रहा हूँ, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कर्णिका ख में जवाब दिया है कि प्रधानमंत्री कृषि संपदा योजना कोई क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं है, परंतु मांग के आधारित है, मांग पर आधारित है। मैं माननीय मंत्री से आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा कि बिहार में कितना कितना फूड मेगा पार्क, मिनी फूड पार्क, एकीकृत शीत श्रृंखला और खाद्य प्रयोगशाला की योजना भारत सरकार के पास स्वीकृति के लिए आई है, और कितनी योजना को आपने स्वीकृति देने की कृपा की है? माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार में कुल स्वीकृत परियोजना 10 है, जिसमें मेगा फूड पार्क 2 है, एक खगड़िया में है और एक मुजफ्फरपुर में है, कोल्ड चेन 6 है, मिनी फूड पार्क 1 है, यूनिट 1 है, इसका कुल प्रोजेक्ट लागत 351 करोड़ रुपये है और स्वीकृत ग्रांट 110 करोड़ रुपये है, इनमें से पूर्ण परियोजना 4 है, कोल्ड चेन 3 यूनिट है,
दो मेगा फूड पार्क है जिसमें खगड़िया कार्यरत है और मुजफ्फरपुर में अभी तुरंत स्वीकृति मिली है, वो अभी शुरुआत हुआ है। माननीय सदस्य सर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से ये जानना चाहूँगा कि सर, जैसा कि आपने आंसर में बताया कि फूड पार्क खगड़िया स्वीकृत है, 2014 में स्वीकृति मिली है, आज तक पूरा नहीं हुआ है, 8 साल हो गए। नंबर वन। नंबर टू, फूड पार्क गया, बेगूसराय सबकी चर्चा की, मुजफ्फरपुर की चर्चा की, हम आपके माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि साहब, एक योजना स्वीकृति आपने दिया जिसमें 8 साल लगा, बाकी की जो योजना है वो कितने साल में पूरा होगा और होगा कि नहीं होगा, बिहार का क्या होगा? ऐसा है अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इसकी एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया के तहत स्वीकृति दी गई है और जहाँ तक इन्होंने कहा है मानसी खगड़िया के बारे में, उसमें 85% काम हो चुका है, एक यूनिट उसमें कार्यरत भी है, मुजफ्फरपुर में अभी 1 सप्ताह पहले ही स्वीकृति दी गई है।